Welcome to Time News Studios. You are watching 11 p.m. Bulletin. सरकारी टेलीविजन पीटीवी के खानगान जो फैसलों वफाकी काबीना जी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज बाबत कमेटी पीटीवी के खानगान जी मंजूरी दे छी सद समावारी वजारत का पीटीवी जे माली ए इंतजामी मामलन बाबत तफसील करब। वफाकी हुकूमत जे अहम इत्तेहादी जमात काफ लीग जा वजीर आजम सा इख्तिलाफ जाहिर। काफ लीग जी कयादत जे इनकार बाद पार्टी वफ्द वजीर आजम जे मानझांदे में शिरकत न कई। जरियन मूजिब काफ लीग की कयादत जो चवण है तो वजीर आजम कणक के अगन सूदो बन मामलों में खेन एतमाद में न वरतो। वजीर आजम पंजाब के दौरन दौरान भी काफ लीग कयादत से मुलाकातू ना कौ। मन सिलाही है तो पीटीआई से इतिहाद लाए थियल माहदे में खाधा दावतू शामिल ना। पीटीआई सरकार से इतिहाद वोट तई महदूद है। वजीर आजम हाउस में मांझांदे की दावत दौरान इतिहादी जमातन शिकायतन जा ढेर लगाए छड़ा। वजीर आजम इमरान खान आरओ तरक्याती फंड्स ए मेगा मनसूबा न मिलन ते खदशा जाहिर। एमक्यूएम पाकिस्तान जीडीए बन इतिहादी पार्टी स्टेफान तकन जा मसला हल न थियन खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा सिंध के बहराड़ी वारे इलाकन के नजरअंदाज कर एहतजाज किया। सदरुद्दीन शाह जो चवण हो तो असा हुकूमत जहा इतिहादी आयो पर तुम उन सबूत न दई रहा हो। वजीर आजम है तो जल्द इतिहादन जहा खदशा खत्म कर कदम क्या वा। ओपोजिशन मुल्क के नुकसान पहुँचाने से लही आई है। ओपोजिशन वा मु ब्लैकमेल कर पूरी कोशिश पाया कन पर आऊँ ब्लैकमेल नींदुस। पीटीआई अगवान जहांगीर तरीन सत्तन महीनों का डेह वापस अची रो है। जहांगीर तरीन ए संदस पुट अली तरीन लंडन में पाकिस्तान लाए रवाना। सत महीना अग शुगर स्कैंडल बाबत रिपोर्ट जारी थियण खां पोए जहांगीर तरीन जल्द ही लंडन हलियो वियो हो। शुगर कमीशन जहांगीर तरीन की कंपनी के भी मुलविस करार दिनो हो। ये जो बात करता है ना मुंह पे हाथ फेर कर, ये परेशानी बिला वजह नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला जाता नजर आ रहा है। सिर्फ आखिरी धक्का जो है वो आप गिलगित बल्तिस्तान के आवाम लगाएंगे। पाकिस्तानी फौज की जगह हमारे दिलों में है और पाकिस्तान की सरहदों पे। पाकिस्तान की फौज की जगह पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशन पे है। तो गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे और अगर तुमने वोट चोरी की तो तुम्हारा तमाशा पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। मुंह से हथ फेरे धमकियों दींदड़ वजीर आजम के वन जो वक्त अचान वो है। हुकूमत की किरंदड़ भित के गिलगित बल्तिस्तान जो आवाम आखिरी धिको दी। नवाज लीग के नायब सदर मरियम नवाज जो गिलगित बल्तिस्तान के गंबाए गांछी वाले इलाकन में चूंड जलसन के खिताब। मरियम नवाज चयो तो गिलगित बल्तिस्तान जो आवाम लोटन के वोट न दे जेके पंजन हकन ला नथा बीही सकन। उहे आवाम के हकन जो तहफ्फुज़ किए कंदा। फौज की जाए पोलिंग स्टेशन से न पर सरहदन ते आहे। जाली हुकुमरान गिलगित के आवाम जो वोट चोरी करने की कोशिश कई तो सजी दुनिया सदन तमाशो दिसंदी। हुकूमत ठाण जो इख्तियार फर्द वाहिद या कुछ माण्हुनि के न पर आवाम के आहे। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के तब्दीली की तबाही का बचाईंदी। सिलेक्टेड वजीर आजम हाँ सोच रो है तो गिलगित बल्तिस्तान के उबूरी सूबो बनाया वो। पीटीआई गिलगित के आवाम ला हेल तई कुछ ना है चूंडन का पोई भी कुछ न कंदी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अस्तौर में चूंड जलसे के खिताब कंदे असांजी चूंड मुहिम के एतराज कंदड़ इलेक्शन कमिश्नर तब्दीली सरकार की धांधली में सहूलतकार बणजी वो है। इलेक्शन कमिश्नर गिलगित के आवाम के वोट के तहफ़ुज़ दियण वाली जिम्मेवारी से ध्यान दे। नैब बलोचिस्तान रिकॉर्डिंग मनसूबे में मुबैना तौर खरबें रुपया नुकसान पहुँचाने जो रेफरेंस दाखिल कर वरतो। टीह साल रिकॉर्ड की छंडछाण बाद अगोणी हुकूमत के अहदेदारन सूधो 26 जवाबदारन खिलाफ रेफरेंस दाखिल। कोयटा की एहतसाब अदालत रेफरेंस जमा थियण बाद जवाबदारन के नोटिस जारी कर छड़ा। बनी गाला वेझो नैब बिन जवाबदारन रिटायर्ड कर्नल शेर खान ए मोहम्मद फारूक के गिरफ्तार भी कर वरतो। इस्लामाबाद में इजलास दौरान नैब बलोचिस्तान की टीम तरफा नैब चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल के रेफरेंस बाबत तफसीली ब्रीफिंग दिनी। नैब जो चवण है तो 1993 में बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑस्ट्रेलवी कंपनी विच में चाघी एक्सप्लोरेशन ज्वाइंट वेंचर जो एक मुआहदो थो।
उन्हीं मुआदे में कौमी मफादन के उबदड़ ऑस्ट्रेलवी कंपनी के फायदो पहुंचाया वो नैब चेयरमैन तरफा कानूनी घुर्जू पूरी कर रेफरेंस के मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। अमेरिकी सदारती चूंडन में नह चोटी जो जोर लगाने बावजूद ट्रंप की पोजीशन कमजोर। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार जो बाइडन के सदर थियण लाए रुगो छह वोट घुर्बल। एरिजोना विस्कॉन्सन मिशिगन में कामयाबी का पोए बाइडन जा इलेक्टोरल वोट्स 264 थी वया। ट्रंप रुगो 214 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर सको। जो बाइडन सदारती चूंडन में गैर मामूली वोट हासिल कर ओबामा जो भी रिकॉर्ड तोड़े छोड़ो। अमेरिकी तारीख में 7 करोड़ वोट हासिल कदड़ पर्यों सदारती उम्मीदवार जो एजाज़ पैं नाले कर वरतो। ट्रंप एरिजोना विस्कॉन्सन मिशिगन के चूंड नतीजन से एतराज वारे छड़ा। अमेरिकी चूंडन में मुख्तलिफ़ रियासत अंदर तारीख साज नतीजा सामू आया। ओक्लाहोमा रियासत की मावरी ट्रेनर पेरी मुसलमान कांग्रेस मेंबर चूंजी वही। मिजोरी में डेमोक्रेट्स की कोरी बुश कारे नसल की पेरी कांग्रेस मेंबर चूंजी वही। न्यूयॉर्क में रिची टॉरस कांग्रेस जो पेरियों कारे नसल जो हम जिन्स परस्त मेंबर चूंजी वो। नॉर्थ कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी जो 25 वरन जो मेडिसन सब का नंडी उम्र वारो कांग्रेस मेंबर चूंजी वो। अगोणे सदर आसिफ अली जरदारी के शकी ट्रांजेक्शन वे केस में 24 नवंबर तक जमानत में वाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ जरदारी की दरख्वास्त में तरमीम वारी इस्तदा मंजूर कर वरती। फारूक एचनाक के ईंदड़ बुधनी से तरमीम थियल दरख्वास्त दियण की हिदायत। अदालत तिबी बुनियादन से आसिफ जरदारी की हाजिरी का छूट वाली दरख्वास्त में मंजूर कर वरती। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत पार्क लैंड रेफरेंस में अगोणे सदर आसिफ अली जरदारी की हाजिरी का छूट वाली दरख्वास्त मंजूर कर वरती। नैब के शाहिद एहसन असलम तरफा रेफरेंस के हवाले से दस्तावेज पेश बुधनी 11 नवंबर तई मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट तरफा रेवेन्यू बोर्ड के फैसले खिलाफ अपील के बुधनी दौरान एजी सिंध ए रेवेन्यू ऑफिसर्स की गैर हाजिरी के कावड़ जो इजहार। गुजरियल बुधनी में पेश न थियण से एडिशनल एडवोकेट जनरल मथा 50,000 रुपया दंड लागू। एडिशनल एडवोकेट जनरल इस्तदा कई तो अदालत पैं फैसले से नजरसानी कर। जस्टिस काजी फायज ईसा रिमार्क्स ने इहो ही रवैयो जारी रखो तो दंड की रकम तवे खीसे में भरण जो हुक्म दिनों वो। आपाशी प्लांट्स के सिंध हुकूमत की मिल्कियत में शामिल करने खिलाफ अपील के बुधनी दौरान रिमार्क्स दे जस्टिस काजी फायज ईसा चयो तो ब्यूरोक्रेसी वट बेपनाह इख्तियार हैं जी वणे तीं कन था। सुप्रीम कोर्ट अपील उकलाइंदे मामलो कलेक्टर लैंड दा उमाणे छोड़ो। सिंध हुकूमत के जमीन से वागियल कानून में आम मानून के समझ में इंदर लफ्ज इस्तेमाल करण की हिदायत। सिंध के रिलीफ खाते अगस्त महीने में तेज बरसातों सबब थियल नुकसान बाबत रिपोर्ट बड़े वजीर हवाले कर छी। रिपोर्ट मूजिब बरसातों सबब 22,97,000 मू मुतासर थे। 13 लख एकड़ एराजी पानी हेठ आई। 8,000 का वधीक घर डटा। 149 जना अजल जो शिकार थे। जरियन जो चवण है तो सिंध हुकूमत अजा तीन बरसात मुतासर की माली मदद ला को फैसलो न कर सकी। मुल्क में कोरोना वायरस जा केसिस वधण बावजूद तालीमी इदारा बंद न करण जो फैसलो। बैन सूबाई तालीमी वजारतन के इजलास दौरान तालीमी इदारा खुलल रखण जो फैसलो कयो वयो। नाए 10 जे बोर्ड इम्तिहान बाबत इतफाक न थी सको। वफाकी वजीर शफकत महमूद की सदारत हेठ इजलास में इतफाक कयो वियो आहे त मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारन के बंद करण जो जवाज़ नथो ठहे। इजलास में फैसलो कयो वियो त पंजाब के तालीमी इदारन में सियारे जो मोकलूं न थींदियूं। बेन सूबन में सियारे जो मोकलू करण या न करण बाबत फैसलो मकामी जोग्राफियाई हालतों तहत किया वो। पीसीबी दादू के ग्राउंड जो हैवी जनरेटर चोरी थे वाले केस में पीपीएमपीए कुलसुम चांडियो के भा परवेज चांडियो के फौरी गिरफ्तार करण संदस कौमी सुप कार्ड भी फौरी तौर ब्लॉक करण जो हुक्म। दादू के सेशन जज बुधनी 10 नवंबर तीन मुलतवी कर छी। परवेज चांडियो पीसीबी ग्राउंड जो इंचार्ज अगोणो
ईडीओ फाइनेंस दादू आहे परवेज टांडियो जो मौकिफ़ आहे त मुंहिंजी कोशिशुनि सां दादू जा केतिरा ई रांदीगर क़ौमी टीम में सिलेक्ट थिया जेका ॻाल्हि मुखालिफ़नि खे हज़म नथी थिए बदनाम करण लाइ साज़िशूं कयूं पियूं वञनि हैवी जनरेटर चोरी करण जो सोचे बि नथो सघां। हैदराबाद जे हाली रोड वारे इलाइक़े में 8 सालनि जी मासूम नियाणी सां मुबैना तौर ज़्यादती जी कोशिश इल्ज़ाम हेठि आयल निजी स्कूल जो चौकीदार अली शेर सोलंगी गिरफ़्तार पुलिस मुतासिर निगरी जे पीउ जी फरियाद ते केस दाख़िल करे वरितो FIR में फरियादी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त जवाबदार निगरी खे लाॻीतो हिरासां कंदो हो जंहिं सबबि हिकु ॾींहुं हुन स्कूल वञण खां इनकार कयो ऐं ॿुधायो त 4 नवंबर ते चौकीदार साण ज़्यादती करण जी कोशिश कई। सिंध में आबादगारनि खे फ़ाइदो पहुचाइण लाइ कणिक जो इमदादी अघु वधायो उमेद आहे त वफ़ाक़ी सरकार आबादगारनि जी परेशानियुनि खे नज़र में रखंदे इमदादी अघु खे बहितर कंदी। सिंध हुकूमत जे तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब वफ़ाक़ी वज़ीर शिबली फराज़ खे चैलेंज कंदे चयो आहे त साबित कयो त पास्को KP ऐं पंजाब हुकूमत तर्फ़ां कणिक ज़खीरे जो टारगेट पूरो कयो वियो टारगेट पूरो कयो वञे हा त कणिक जो बोहरान पैदा न थिए हा रुगो सिंध सरकार कणिक ज़खीरे जो टारगेट पूरो कयो आहे। कराची में वणकारी मुहिम खे ख़िताब दौरान मुर्तज़ा वहाब चयो त नैब सिंध में छापा हणी सघे थो त KP में बि पुछी वठे त बिलियन ट्री मनसूबे में वण किथे लॻाया विया। सिंध जे ॿेटनि ते कब्ज़े ख़िलाफ़ु कंदकोट मां कराची लाइ निकितल क़ौमी अवामी तहरीक जो मार्च भिडशा पहुची वियो। मार्च में शरीक अॻवान ऐं कारकुन राति भिडशा में तरसण बाद सुबुह ॿीहर मंज़िल तरफ़ रवाना थींदा। मुख़्तलिफ़ शहरनि में शहरनि गुलनि जी वर्खा सां मार्च जी आजियां कई मुख़्तलिफ़ हंधनि ते ख़िताब ऐं मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अयाज़ लतीफ़ अली जो चयो त पीपल्स पार्टी सरकार वफ़ाक़ खे सिंध जा ॿेट विकिणे छॾिया। आइलैंड अथॉरिटी ख़िलाफ़ु एहतिजाजनि बाद नोटिस वठण जो ड्रामो कयो वियो। अवाम ॿेटनि ऐं कारूंझर सूदो ॿियनि वसीलनि जो तहफ़ुज़ करणु ॼाणे थो। उमिर बाब चयो आहे त पीपल्स पार्टी ॿेटनि ते कब्ज़ो करण लाइ वफ़ाक़ खे इजाज़त ॾिनी धारनि सां गॾु धाड़े में पंहिंजा ई मौजूदु हुआ। जागीरदाराणे निज़ाम जे ख़ात्मे ऐं वसीलनि जे तहफ़ुज़ लाइ थींदड़ हर जिदोजहद में आउं शिरकत कंदसि। सिंध में कोरोना वबा 24 कलाकनि अंदरि वधीक 17 हयातियूं गिड़काए छॾियूं। 556 नवां केस रिपोर्ट वॾे वज़ीर नवां अंग खे जारी कंदे चयो आहे त सूबे में हेल ताईं केसिस जो अंगु वधी 1,08,343 ऐं फोतगियुनि जो अंगु 2,674 थी वियो। कंदकोट वेझो 6 महीना अॻु कारे इल्ज़ाम हेठि क़तलु कयल नौजवान शहमीर गोलो जे खून जो जर्गो मक़तूल नौजवान जी धुर ते कारे जो इल्ज़ाम साबित थियण ते 11 लख रुपया ऐं क़तल जे इल्ज़ाम हेठि आयल ख़ादिम ऐं मोहम्मद हसन गोलो ते 25 लख रुपया ॾंढ विधो वियो। जर्गो सरदार मोहम्मद सलाह गोलो जे सरपंच में थियो। उमेरबाब जे 3 भातियुनि जे क़तल केस में घुरिबल रुपोश जवाबदारनि ज़ुल्फ़कार ऐं मुर्तज़ा चांडियो जी गिरफ़्तारी लाइ दादू ऐं कंबर शहदादकोट ज़िले जी जावलू पटी में क़ाइमु कयल पुलिस पकेटूं हटायूं वियूं। पुलिस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण में नाकाम। पुलिस मूजिबि ॿई जवाबदार बलूचिस्तान में मौजूदु आहिनि जिन जी गिरफ़्तारी लाइ सिंध पुलिस ऐं बलूचिस्तान सरकार विच में राबता जारी आहिनि। कराची में मुसलमान थियण बाद पसंद जी शादी कंदड़ आरज़ू राजा जी उमिरि जो पतो लॻाइण लाइ घरू खाते खे मेडिकल बोर्ड जोड़ण जो हुकुम। सिंध हाईकोर्ट 9 नवंबर ताईं रिपोर्ट तलब करे वरिती। मेडिकल रिपोर्ट अचण ताईं आरज़ू राजा शेल्टर होम मुंतकिल। वफ़ाक़ी वज़ीर श्री मज़ारी जे वकील बि केस में धुर बणजनि लाइ सिंध हाईकोर्ट में दरख़्वास्त ॾेई छॾी। ॿुधणी दौरान आरज़ू राजा इंतिहाई सख़्त सिक्योरिटी में पेश अदालत आॾो बयानु ॾींदे आरज़ू राजा चयो त कंहिं बि अॻवा नाहे कयो रज़ा ख़ुशी सां मुसलमान थी पसंदि जी शादी कई आहे मुड़ुस खां धार न कयो वञे। अदालत चयो त पहिरीं उमिरि ते थियणु ॾियो उनखां पोइ ॿिया मामला ॾिसंदासीं। आरज़ू जी अमर चयो आहे त धीउ जे ग़ैर क़ानूनी तौरु नंढी उमिरि में शादी कराई वई। अदालत में पेश करण वक़्तु धीउ सां मिलणु न ॾिनो वियो ऐं नई चहिरो ॾेखारियो वियो धीउ खे असांजे हवाले कयो वञे। ऐं 17,000 रुपया कढाइण खां अॻु अव्हां जे अकाउंट में घटि 86 करोड़ रुपया हुजणु घुरिजनि। मोबाइल कैश अकाउंट मां मामूली रक़म कढाइण लाइ वियल कोठड़ी वासी सिकंदर अली मैसेज ॾिसी हैरान थी वियो। मैसेज में लिखियलु आहे त 17,000 रुपया कढाइण लाइ अव्हां जे अकाउंट में मौजूदु रक़म काफ़ी नाहे। अकाउंट में घटि 86 करोड़ रुपया हुजणु घुरिजनि जंहिंखां पोइ ई अव्हां रक़म कढाए सघो था। अहिड़ो मैसेज ॾिसी शहरनि जूं वायूं बताल थी वियूं।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आउं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइन सां रखियूं तफ़सीली ख़बरूं, शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।